हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम रहमान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये भी अभी एनआरसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक नया और एक बहुत ज़रूरी खबर निकल के आ रहा है। तो पूरा डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। ये खबर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़रूरी है हम सभी लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि छोटा बड़ा अपडेट, नए नए इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनआरसी के बारे में क्या नया खबर आया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर बीच में वीडियो को जो है स्किप कर दोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पूरा समझिए। ये भी देखिए, एनआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पूरा नीचे दिया हुआ है न्यूज़, छोटा सा वीडियो है, आप पूरा देख के जाइए। भी देखिए, नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी से बाहर रह रहे लोगों के मामले पर विचार करने वाली विदेशी न्यायाधिकरण संशोधन आदेश 2019 की प्रक्रिया को मौलिक अधिकारों का हनन बताए जाने संबंधी दलीलों पर केंद्र से मांगा है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गगई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की एक पीठ ने अखिल असम अल्पसंख्यक छात्र संगठन मतलब MSSS अमसू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की उन दलीलों पर संज्ञान लिया, उन जिनमें कहा गया है कि जिनके नाम एनआरसी में शामिल नहीं है वे ऐसी चुनौती देने को मजबूर होंगे। शीर्ष अदालत असम एनआरसी को अंतिम रूप देने के काम की निगरानी कर रहे हैं और इसके लिए 31 जुलाई की समय सीमा तय की गई है। सिब्बल ने कहा कि अपील का अधिकार प्रभावित हो गए क्योंकि एनआरसी में छूटे हुए लोगों को अपील की उनकी अनुपस्थिति में विदेशियों के न्यायाधिकरण द्वारा सुना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन आया है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एनआरसी के बारे में कुछ जानना है तो ज़रूर कमेंट करना, और इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि छोटा बड़ा अपडेट, नए इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।